गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, यू नो वेल एडवर्ब योर टॉपिक इज गोइंग ऑन नाउ डेज एंड इन प्रीवियस क्लास आई टॉट यू अबाउट द एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ मैनर एंड एडवर्ब ऑफ डे. ये फोर काइंड्स ऑफ एडवर्ब्स मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया एंड टूडे फिफ्थ एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी and six interrogative adverbs. Now I am going to learn you about the adverb of frequency. Adverb of frequency kya hota hai? Adverb of frequency tell us about how often and how frequently the action has take place. Means kis tarah se adverb of frequency action ko kitni baar karta hai. What is the difference between the एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड एडवर्ब ऑफ टाइम. कभी कभी स्टूडेंट्स काफी कंफ्यूज होते हैं, तो मैंने आपको बताया है एडवर्ब्स ऑफ टाइम ऑलवेज इट आंसर द क्वेश्चंस विद व्हेन. जो हम आंसराइज करते हैं वो व्हेन से करते हैं एडवर्ब्स ऑफ टाइम. एंड इन द एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, इन एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी इट आंसर द क्वेश्चंस बिगिन विद द हाउ frequently या how often. Means action को कितनी बार किया गया. ठीक है, तो उसमें when means उसमें समय के विषय में बताया जाता है. इसमें समय, इसमें action को कितनी बार किया गया. ठीक है, तो ये दोनों differences हैं adverbs of frequency and adverbs of time कि action को कितनी बार किया गया. फिर से मैं एक बार बताना चाहूंगा what is the adverb of frequency. Adverb of frequency tell us about the how often and how frequently action had take place. Means कितनी बार action को किया गया. And answer the questions always how often and how frequently. Now first example, now we take it. We rarely disagree on what to do. How frequently disagree you? Means kitni baar aap isse disagree the? Then your answer is rarely. Meena always tries to do her best. Meena ne apna hamesha acha prayas wo karti hai. To yahan pe aap keh sakte ho how frequently or how often Meena tries to do, means कितनी बार उसने बेस्ट प्रयास करती है. तो आपका आंसर होता है always. Meena always tries, means how frequently, how often Meena tries to do her best. Then your answer is always. And Paru sometimes visits me at home. Then how often Paru visit me at home? कितनी बार वो मेरे घर आई? Then your answer sometime. So means action को कितनी बार repeatedly, means repeat किया गया. ये आपको adverbs of frequency में हम show करते हैं. And what is the main words of the adverbs of frequency which belongs to the adverbs of frequency? First, often, never, hardly, daily, frequently and generally, such as many words which belongs to the adverbs of and the second, which is the most important interrogative adverbs. Interrogative adverb tell us about the to use always ask the question. Interrogative adverb always used to ask the question. इसका प्रयोग हमेशा हम questions को पूछने में करते हैं. ठीक है, इसके words जो हैं when है, how है, where है, why है, how much and how many, how long, how far, these words are belongs to the interrogative adverbs. Interrogative adverbs means adverbs of manner, adverbs of place, adverbs of time. जितने भी मैंने आपको kinds of adverbs बताए हैं उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको सबके सब क्वेश्चन बताए हैं कि एडवर्ब ऑफ मैनर में इट आंसर द क्वेश्चन हाउ, एडवर्ब ऑफ प्लेस में इट आंसर द क्वेश्चन वेयर, एडवर्ब ऑफ टाइम से मैंने आपको बताया है इट आंसर द क्वेश्चन ऑलवेज व्हेन. तो इस तरह से जितने भी क्वेश्चंस राइज होते हैं उन्हें ही हम इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स कहते हैं. उसमें वही क्वेश्चन से हम उसी
इंट्रोगेटिव वर्ड से क्वेश्चंस की स्टार्टिंग करती है। इसमें एक्सप्रेशन हमेशा क्वेश्चन पूछने का होता है। हाउ डिड यू मेक दिस करी, देखिए यहाँ पे हाउ है मीन्स क्या हुआ, हाउ इज एडवर्ब ऑफ मैनर मीन्स करी को किस तरह बनाया गया, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये आपका हो जाएगा प्लेस, ये प्लेस पोजीशन बता रहा है। वेयर कैन आई फाइंड फाइंड हर, उसे मैं कहाँ पा सकती हूँ, वेयर वेयर कैन आई फाइंड हर, देन इट शोस अबाउट द प्लेस, सॉरी हाँ ये आपका मैनर हो गया, ये प्लेस को शो कर रहा है, ठीक है, और ये भी शो शो कर रहा है मैनर। एंड द लास्ट, व्हेन डस द ट्रेन अराइव्स, व्हेन डस द ट्रेन अराइव, व्हेन इज डिनोट द टाइम, तो यहां पे क्या हो जाएगा, ये टाइम को डिनोट करता है। तो फर्स्ट में हाउ डिड यू मेक दिस करी, ये एडवर्ब्स ऑफ मैनर को शो करता है। सेकंड, वेयर कैन आई फाइंड हर, एडवर्ब्स ऑफ प्लेस, एंड व्हेन डस द ट्रेन अराइव, तो यहां पे हमें जो है एक्सप्रेशन मिलता है इंट्रोगेटिव वर्ड से, वो किसका मिलता है, टाइम का मिलता है।